हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज न्यू ईयर का सेकंड वाला डे है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज? आज दीदी के पास मतलब कुछ भी कपड़े ऐसे नहीं है जो कटिंग करके उन्हें रख दिए हों, इसलिए आज दीदी के साथ मैं कटिंग करवाने वाली हूँ। हाँ, और क्या, मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? दो मिनट में काट के दे दूंगी। अरे तो मैं कटिंग करवा देती हूँ, तुम्हारा काम भी कम हो जाएगा। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स कितने कपड़े हैं हमारे पास कटिंग करने के लिए। ये देखिए कितने कपड़े रखे हुए हैं। कैसे बनना है दीदी इनको? सब डिजाइन वाले कपड़े, सब बिल्कुल सिलवाता है अपने। चलो ठीक है, तो जल्दी जल्दी कटिंग करना अपन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज तो सुबह से शाम हो चुकी है और हम लोगों ने ज्यादा कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ दीदी ने ये वाले तीन कपड़े ही कट किए हैं। और हम लोग अब हम सोच रहे हैं आपको कि नायरा कट एक ड्रेस है, उसकी कटिंग बता दे। हैवी ड्रेस। और फ्रेंड्स आज ना हमारे बहुत ज्यादा ही ठंडी है, तो मैंने बस जर्किन पहन के रखी है और मैं तो बस ठंडी कर रही हूँ, क्योंकि ज्यादा सर्दी रहती तो ऐसा लगता है ना कुछ भी काम करने का मन नहीं होता और ऐसा लगता है बस बैठे रहो, कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट करते रहो, मतलब सीधी सीधी बात, काम मत करो, फालतू घूमते रहो। हाँ, तो कटिंग करें दीदी फिर। हाँ। हम लोग आपको बताने वाले हैं हैवी साइज की नायरा कट कुर्ती। हाँ। है ना दीदी? हाँ। और क्या है? हैवी साइज की, वैसे भी सब लोग पूछते हैं। हाँ। हैवी साइज की नायरा कट कुर्ती, और वो भी फुल इनर वाली। फुल इनर और फुल लेंथ। फुल लेंथ मतलब गाउन लेंथ ना। हाँ, अभी तक अपन ने लॉन्ग बताई भी नहीं है, सिंपल बताइए, शॉर्ट घुटने तक। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब एक प्रॉपर नायरा कट कुर्ती कितने मीटर फैब्रिक में बनती है, कितना मतलब हैवी साइज वाला है इंसान के लिए, और प्लाजो का कपड़ा कितना लेना रहता है, डिजाइन भी तो है यहाँ पर। हाँ, और साइड में जो क्रिस क्रॉस वाली डिजाइन होती है वो बनाना बताएंगे हम आपको। चले करें दीदी कटिंग। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नायरा कट का कपड़ा, तो जिसके लिए ये अस्तर है, इसमें प्लाजो का कपड़ा भी है, प्लाजो का अस्तर और फ्रॉक का अस्तर, दोनों का अस्तर है इसमें। और प्लाजो बनेगा इसका, ये वाले कपड़े का, और इसमें बनेंगे स्लीव्स, प्लाजो की स्लीव्स। हाँ, प्लाजो की स्लीव्स बनेंगे, क्योंकि ये कपड़ा 3 मीटर ले आएंगे, तो इसमें स्लीव्स भी निकालना पड़ेगी, ये छोटा पड़ेगा। और ये वाला कपड़ा भी 2.5 मीटर है। अगर मतलब प्रॉपर नायरा कट बनाना है तो 3 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा। हाँ, 3 मीटर फैब्रिक में बनेगी आपकी प्रॉपर नायरा कट कुर्ता, मतलब की फ्रॉक। तो ये जो जॉर्जेट का फैब्रिक है ये 2.5 मीटर है, आधा मीटर हम अस्तरों के लिए इसमें से लेंगे, तो 3 मीटर हो जाएगा पूरा। और अस्तर भी हमको 3 मीटर चाहिए पड़ेगा, क्योंकि नीचे तक लगाना है पूरा ही, तो इसको ये जो जॉर्जेट वाला कपड़ा है ये हम हटा देंगे, अस्तर का कपड़ा लेंगे कटिंग करने के लिए, अस्तर को सिंगल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा कपड़ा रहा, ये सिंगल कपड़ा है, इस किनारे को वापस लाएंगे तो ये डबल हो जाएगा। हम आपको हैवी साइज की चोली कटिंग करना बता रहे हैं, यहाँ से लिया हमने, ये हमारे दो कोने मिलाए, अब एक बार और फोल्ड कर लेंगे, जितनी अब हमारी फिटिंग रहेगी उससे 2 इंच बड़ा इसको फोल्ड करना है हमको, क्योंकि 2 इंच मार्जिन के लिए हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम करते हैं इसकी कटिंग करना स्टार्ट, तो यहाँ से हम पहले सीधी लाइन खींच लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए, इसके बाद यहाँ से हमको हल्की सी तिरछी लाइन खींचना है, शोल्डर को हल्का सा हम डाउन करेंगे, वो भी 1/2 इंच। शोल्डर हमने नाप लिए थे, उनके शोल्डर थे 16 इंच की, तो उसका आधा आएगा 8 इंच। गला पीछे का छोटा है इसलिए शोल्डर बड़े आ रहे हैं। आर्मोल्स का साइज वैसे हम 7 रखते हैं, लेकिन इनकी में हमको रखना है 7.5 इंच की शोल्डर, क्योंकि साइज बड़ा है आर्मोल्स। चोली हमारी 15 इंच की है, तो हमको 16 इंच की रखना है, 1/2 इंच सिलाई में यहाँ दबेगी, 1/2 इंच ऊपर दबेगी। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग, तो इसमें हमें फिटिंग कैसे लगाना है, पाकिस्तानी स्टाइल में, पाकिस्तानी स्टाइल की हमको नायरा कट बनाना है, जिसमें हम लूजिंग डाल रहे हैं 4-4 इंच, और अगर किसी को ज्यादा लूज चाहिए तो फिर आप 5-5 इंच की भी लूजिंग डाल सकते हैं इसमें, लेकिन हमको 4 इंच की लूजिंग डालना है। सीने की फिटिंग 39 इंच है, 4 इंच लूजिंग डालेंगे तो 43 इंच हो जाएगी, 43 का चौथा ही भाग 11.25 इंच आएगा, 11 में 2 पॉइंट कम, ये देखिए 11.25 पर हमने निशान लगा लिया। कमर का जो साइज है वो 37 इंच है, कमर में बहुत ज्यादा लूजिंग नहीं डाल सकते, बहुत ज्यादा ही ढीला ढीला दिखने लगेगा, इसलिए कमर में 3 इंच की लूजिंग डाल रहे हैं, 3 इंच लूजिंग डालेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 का चौथा ही भाग 10 इंच आएगा, तो हम 10 पर निशान लगा लेंगे, इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, इस निशान से इसको मिला लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, और अब हमको करना है इसकी गोलाई, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दो इंच दूरी से हमने इसकी कटिंग की है, यहां पर और यहां पर कट लगा लेंगे,
और एक कट यहाँ पर भी। ये हमारी चोली की कटिंग हो गई है। इस कपड़े को काट कर सीधा कर लेंगे, इसमें से गले की पट्टियां निकालना है और यहाँ से हम घेर निकालेंगे। इसको अभी हटा दिया, पहले हम गले की पट्टियां निकाल लेते हैं, गला कट कर लेते हैं। इन दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, बैक साइड को हटा देंगे अभी और आगे वाले कपड़े को अच्छे से जमा लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमको करना है गोलाई, हल्का हल्का से लेके आएंगे, गहरा कर लेंगे, वापस पतला करते जाएंगे और यहाँ पर लाके इसको खत्म कर देंगे। ये देखिए ये हो गई हमारी इसकी गोलाई। अब हमको इसकी फैलान का निशान लगाना है क्योंकि इसमें लगे इसमें बनेगा बकरम का गला और साइज बड़ा है इसलिए हम फैलान भी ढाई रखेंगे, सवा दो नहीं रख रहे हैं। तिरछा कट लगा देंगे और एक यहाँ पर सेंटर पे कट लगा देंगे। ये आगे वाली चोली हटा देंगे, अब पीछे वाली लेंगे। पीछे वाली में हमें गोल गला काटना है, गले की फैलान होगी ढाई इंच, गले का साइज होगा 4.5 इंच और नीचे की फैलन 2.5 इंच। ये हमने लाइन खींच ली और अब हम इसमें गोल गला ड्रॉ कर लेंगे, कटिंग कर देंगे इसकी। ये गोल गला कट गया हमारा, ये चोली का काम खत्म नहीं हुआ है, अभी पट्टी भी कट करना है। ये देखिए यहीं से हमने इसको एक को हटाया, एक लिया, इसमें से हम पट्टी निकाल देंगे, इसको ऐसे रखेंगे और कटिंग कर देंगे। और गोल गले की पट्टियां तो मैंने आपको काफी बार काटना बता दी है तो आपको आने ही लगी होंगी अभी तक। ये हटा दिया, अब 1.5 इंच दूरी से इसकी कटिंग कर देंगे। ये कट गई। बैक की गले की कटिंग करने के बाद अब हमें आगे गले की कटिंग करना है, वो भी बकरम के ऊपर। तो बकरम तो आपको पता ही है हम कितना लेते हैं, मैं आपको नहीं पता बता देती हूँ एक बार। और बकरम का साइज हमने 7.5 इंच रखा है और ऐसे में तो हम लंबाई ले लेते हैं और काटते जाते हैं, 1 मीटर का साइज रख लेते हैं हम तो पूरा। गले की फैलान हमको 2.75 इंच रखना है क्योंकि बकरम पे कोई सिलाई लगाने में आगे पीछे नहीं होता है, उसमें हमने 2.5 रखी है क्योंकि सिलाई लगेगी तो यहाँ तक 2.75 इंच हो जाएगा, इसमें हमको 2.75 ही रखना है। और गले का जो साइज है वो 6.5 इंच है, हम 7 पर निशान लगा लेंगे, 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई में दबेगा, बन के 6.5 आएगा यहाँ से क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा वो फिक्स ही, जैसा बकरम कटेगा वैसा ही बन के रहेगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं होता है, पर पट्टी वाले जो गले काटते हैं हम उनमें वो आगे बढ़ जाता है। ये देखिए हमने जैसा गला कट होता है वैसा हमने निशान लगा लिया और हमें इसमें गला काटना है, पान का शेप देना है हमको इसमें। ये देखिए यहाँ से लेके आएंगे, हल्का हल्का सा यहाँ से राउंड कर देंगे। ये देखिए अब ऐसा है। अब इसकी कटिंग कैसे करना है, इसको उठा लेना है और एक उंगली से ऐसे ये वाली उंगलियों को लेना है, इसके बीच में फंसाना है ऐसे करके ताकि वो आगे पीछे नहीं जाए। और यहाँ से लेंगे नोक के पास से ये घुमाते हुए वापस ले जाएंगे इसको। यहाँ पर थोड़ा सा कम शेप डाला था, देखिए मैंने कैंची से इसको सही कर लिया, कटिंग करते करते ही सही कर लिया, करते ही इसको सही कर दिया। ये देखिए पान का शेप मस्त आ गया। अब इसको 1/2 इंच दूरी से कटिंग कर देना है। ये कट गया हमारा, अब इसको फिर रख देंगे और अगला गला फिर कट जाएगा इसमें से। अब ये बच्चा जो कपड़ा है इसको हमने काट के सीधा किया था, उसी को एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये डबल तो पहले से था ही, जैसे चोली के लिए बिछाया था वैसे बिछाना है, बिछाना है इसको। इसमें से हमको स्लीव्स का अस्तर निकालना है। तो हमारे सीने की फिटिंग आई थी 11.5 इंच, तो हमें आस्तीन की जो फिटिंग रहेगी वो 12.5 इंच रखना पड़ेगी। तो हमने जो बिछाया है वो बिल्कुल सही है, आस्तीनों में अस्तर हमको लगाना है 5 इंच का। तो ये हमने सीधा निशान लगा लिया और यहाँ से 5 इंच की आस्तीन का निशान लगा दिया और 1/2 इंच यहाँ पर ऊपर जो सिलाई में दबेगा उसका रखा है। ये देखिए अब ये 5 हो जाएगा, इतना सिलाई में दब जाएगा। और यहाँ पर रख दिया हमने 1 इंच बढ़ाकर नीचे मोड़ने के लिए। और यहाँ से ऊपर से हमको 3.5 इंच डाउन करना है इसको। सीधी लाइन खींची और यहाँ से इसका शेप दे दिया, ये देखिए, और यहाँ से तिरछा शेप। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर एक कट लगा देंगे
दो इंच से पकड़ेंगे और गोलाई कर देंगे। और यहाँ पर भी कट लगा देंगे। अस्तीन हमारी कट हो गई है, इसको हटा देंगे और इस कपड़े को काट कर सीधा कर लेंगे। अब कपड़े को सीधा करने के बाद इस कपड़े में से हमको घेर की कटिंग करना है। इस कपड़े के ये डबल फोल्ड है हमारा, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, वो भी पूरा कोर से कोर मिलाकर। अब इसको बिछाने के बाद अब हमको लगाना है निशान लंबाई का। तो देखिए हमारी चोली कितने इंच की थी, चोली हमारी थी 15 इंच की। हमने ऊपर इंची टेप के ऊपर 15 इंच छोड़ दिया है और जो हमारी नायरा कट कुर्ता बन रहा है उसकी लंबाई है 52 इंच। तो इतना हमारा काट के हम हटा देंगे, इसमें एक्स्ट्रा नहीं रखना है क्योंकि ये अस्तर है और अस्तर को फिक्स ही रखा जाता है। अस्तर को फिक्स रखा जाता है और यहाँ से हमको बनाना है चौक। इसको इंची टेप को आगे बढ़ा लेंगे, 15 इंच ही छोड़ेंगे जितना हम छोड़ते आ रहे हैं। और जो चौक का साइज रहेगा वो 18 इंच पे है, देखिए इतना 18 इंच तक हमको इसको बंद रख 15 इंच छोड़ेंगे। चौक हमारे 18 इंच के हैं तो हम 18.5 पर निशान लगा लेंगे, आधा इंच यहाँ पर सिलाई में दबेगा। और यहाँ पर हमको क्रिस क्रॉस डोरियाँ भी लगाना है इसलिए हमने 18 पर चौक रखी है। अगर किसी को क्रिस क्रॉस डोरियाँ नहीं लगाना या साइड में डोरी नहीं चाहिए तो वो 20 या 22 पर रखना है, 20-22 पर चौक बनाए हैवी साइज वाले। यहाँ पर हमको लगाना है एक कट जिससे हमें पता चल जाए कि चौक बनना कहाँ से है। और एक इंच के हमको बनाना है चौक, तो एक इंच पे हम लगा लेंगे निशान यहाँ पर भी और नीचे भी। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच लेंगे और इधर भी लाइन खींच लेंगे जिससे कि हमारी कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है उतना कट जाए। ये हमारा चौक मोड़ने का मार्जिन हो जाएगा, इसकी हम कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा है और एक नीचे कट लगा देंगे जिससे कि हमें पता चल सके चौक मोड़ना कहाँ से है। और यहाँ से ये जो धागे निकल रहे हैं हल्के हल्के से इनको कट कर देंगे। बीच सेंटर पर हमको कट लगाना है और अस्तर की कटिंग तो हमारी हो गई है। अस्तर को हम हटा लेंगे और जॉर्जेट का फैब्रिक लेंगे। पहले हम स्लीव्स निकाल लेते हैं पैंट के कपड़े में से, इसको सिंगल कर लेंगे और जैसे स्लीव्स जमाते हैं वैसे ही जमाना है। ये डबल फोल्ड, ये एक बार और फोल्ड, ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम नाप के देखेंगे कि ये हमारी अस्तीनों में जोड़ की जरूरत तो नहीं है। तो देखिए जरा सा कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा जोड़ तो हमको लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, छोटी सी एक कली लगेगी। ये देखिए इतनी सी हम कली लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा काम बन जाएगा। ये हमने रख लिया इसको। अब अस्तीन का जो नाप है, अस्तीन की जो लंबाई का नाप है वो है 18 इंच, तो हम 18.5 पर निशान लगाएंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई में दबेगा और एक इंच हम यहाँ पर मोड़ने का निशान लगा लेंगे। अस्तीन की फिटिंग 11.5 इंच है तो हमने 11.5 का 6.25 इंच पर निशान लगा दिया और 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन रख लेंगे और 11.5 फिटिंग हम यहाँ पर लिख भी देंगे। इन निशानों को लंबा कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा कट मार देंगे और यहाँ पर एक छोटा सा सेंटर पे कट मार देंगे और ये जो हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हम कली निकाल लेंगे इसके ऊपर रख के। ये देखिए आधा इंच हमने ऊपर रखी है, ये देखिए इस कली को काट कर खोल देंगे। ये स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। इस कपड़े को जो हमारा प्लाजो बनना है इसको हटा देंगे, ये अभी हमारा किसी काम का नहीं है और जो मेन फैब्रिक है उसी को लेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक जॉर्जेट ले ली है, इसमें आपको एक तो फूलों का ध्यान रखना है, पत्तियां जो बनी हुई है ये ऊपर की साइड जा रही है इसलिए हमको एक एक पल्लर कट करना पड़ेंगे चोली के भी और घेर के भी। तो इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे जितना हमारा साइज है उसी के हिसाब से चोली रखेंगे इसके ऊपर, एक हमको नीचे रखना है और एक इसके ऊपर रखना है। इसको इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे, इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारी इसमें चोली कटिंग हो गई है, इन दोनों चोलियों को हटा देंगे
और इस कपड़े को काटकर सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस कपड़े को डबल फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे दोनों कोने मिलाकर इनको फोल्ड कर लिए अच्छे से। इसको यहाँ से ऐसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे किनारी से किनारी मिलाकर, जैसे हमने अस्तर किया था वैसे ही। कपड़े को बिछाने के बाद जैसे हमने अस्तर की कटिंग की थी वैसे ही हमको इसकी कटिंग करना है। 15 इंच छोड़ना है, 53 इंच हमारी लंबाई है, 54 55 55 पर हम निशान लगा लेंगे। 2 इंच बढ़ा के क्यों लिया दीदी? 2 इंच मुड़ने में चला जाएगा, 1.5 इंच यहाँ पर और 1/2 इंच यहाँ पर। इस कपड़े को काट कर सीधा कर लेंगे जितना एक्स्ट्रा है। ये जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था इसको हमने काट कर हटा दिया है और इसके नाड़ी को हम कट कर देंगे। जॉर्जेट में वैसे भी अरज बड़ा होता है तो ये हमारी बड़ी ही पड़ेगी। किनारी हमने हटा दी है, अब आप देखिए। अब आपको चौक के कट इसमें अभी बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि इसके फूल ऊपर नीचे जा रहे हैं। हमने कटिंग तो साथ में कर ली लेकिन अब हमको इसको मिलाकर रखना पड़ेगा। तो ये देखिए इस वाले पल्लर के फूल नीचे जा रहे हैं और इसके फूल ऊपर जा रहे हैं। तो ये ऊपर वाले को हमने सीधा रखा है जिसके फूल ऊपर जा रहे हैं। और इस वाले को भी चेक करेंगे, ये वाला कपड़ा सीधा है और इसके फूल भी ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए हमने रख लिया, ये भी ऊपर जाने लगे और ये भी ऊपर जाने लगे। इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे और फिर से बक्सा बना के रख देंगे। ये रख दिया हमने और इसका अस्तर भी रख देंगे इसी के ऊपर। जब हम इसको अटैच करेंगे तो इसमें वैसे भी हर जगह निशान अपने आप ही लग जाएंगे। ये हमारा घेर हो गया, ये हमारी स्लीव्स हो गई, ये हमारी गले की पट्टी पीछे वाले की पीछे साइड की, ये हमारा आगे का गला और ये रही हमारी चोली। और हमारी लेस कहाँ गई प्रीत? तुमने लेस तो दी नहीं हमें। और ये रही हमारी सारी लेस। ये देखिए इसके ऊपर लगने के बाद कितनी बढ़िया लगेगी ना, बहुत ज्यादा खूबसूरत। हाँ, जब हम लगाएंगे तो आपको बता देंगे। इसमें दुपट्टे में भी लेस लगेगी और पूरी इस नायरा कट की भी ये लेस है। तो इसी साथ हमारी पूरी नायरा कट फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है, वो भी पाकिस्तानी वाली। तो फ्रेंड्स आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको बताना है हमें कमेंट करके कि आपको ये हैवी साइज का नायरा कट की कटिंग आपको कैसी लगी। तो अच्छी लगी है तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।